की रामलीला ग्राउंड में रोपड़ में मेला लगने वाला भाई, झूले वूले सेट हो रहे हैं, चेक करो। बट मैंने कहा हाँ यार फैन ने बुलाया तो जरूर आएंगे। तो कैसा लगा लाइव देख के बताओ, इतनी मोटी कील है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द YouTube वीडियो, अरे मतलब नए व्लॉग में स्वागत है भाई। आज पता क्या हो रहा है घर पे, तो बाहर दीदी और जीजू आ रखे, तो शूटिंग चल रही है, तो मैं तुम्हें चुपके चुपके से दिखाता हूँ। तो ये देखो ये देख रहे हो बिहाइंड द सीन है, ये मर गया भाई। तो गाइस यहाँ पे चेक करो भाई, जीजू भी आ रखे, दीदी भी आ रखी है, और यहाँ पे हमारा भतीजा। अबे अबे ये क्या खा रहा है, अबे पिज्जा खा गया वो वाला। अच्छा एक और पड़ेगा ऐसे, और सुबह सुबह भाई इन्होंने पिज्जे भी मंगा लिए, और यहाँ पे ये चेक करो, अबे खुल नहीं रहा मम्मी ये तो, आए हाय हाय पनीर पिज्जा। और साथ ही साथ में ये देखो भाई, YouTube वालों ने दीदी को झोला भी दिया, YouTube शॉर्ट का भी। भाई पता है ना आपको ये झोला किस लिए आया? ऑलराउंडर फ्लाइट का पैसा ले जाने के लिए, पैसे इसमें इकट्ठे करो, पैसे भरने हैं। पर एक चीज है कि YouTube वालों ने अच्छा दिया झोला, कपड़ा अच्छा लगा के दिया है ना, मतलब सब्जी सब इसमें ही आती है। भाई पहले वीडियो के लिए स्पेशल जीजा ने पिज्जा मंगाए हैं स्पेशल। तो ये देखो मम्मी पहले अपने लड़के को नहीं पूछ रही पहले है। चलो भाई लेट्स एक कुरुणा खा पर है इसमें, वो तो डालते मेरा पिज्जा खा गई। तो भाई अभी ना मैं सयम को मैंने पिक कर लिया, और अभी हम जा रहे हैं डीवी स्कूल के बाहर। तुम्हारे एक फैन है, तो उन्होंने बोला था काफी दिन से कि भाई आ जाना मिलने के लिए। तो चलो चलते हैं फिर वहीं पे, देखते हैं फैन मिलते कि नहीं। 2 बजे का टाइम दिया था, अभी 1:45 हो चुके हैं। लेट्स मीट देम, मिलती है कि नहीं। चलो भाई, सो जस्ट अभी हम डीवी स्कूल के बाहर पहुंच चुके हैं, और देखते हैं भाई वो आते हैं कि नहीं। ठीक है, अभी बच्चों की जस्ट छुट्टी हुई है, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:10 हो गए हैं। तो देखते हैं, स्पेशल हम आए हैं क्योंकि हमारे फैंस की डिमांड थी ना। चलिए देखते हैं, बच्चे निकल रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो भाई ये रहे वो हमारे फैन जो हमारी लाइव में कल आए थे, और इन्होंने हमें स्पेशल बोला था, 2 दिन से मेरी लाइव में आके बोल रहे थे कि सर प्लीज मिलने आना डीवी स्कूल के बाहर। तो फाइनली आपने वेट करी है ना, तो हम भी आज टाइम निकाल के, मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, शूट कर रहे थे ठीक है, बट मैंने कहा हाँ यार फैन ने बुलाया तो जरूर आएंगे। तो कैसा लगा लाइव देखते ना आप हमारी, अच्छी लगती है? अच्छा, और शॉर्ट वीडियोस व्लॉग्स भी, क्या बात है। तो इतना अच्छा आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा आपने किस अपने फ्रेंड से सबसे सब्सक्राइब करवाया? क्या बात है। तो देखो गाइज आप सब इतना प्यारा सपोर्ट करते हो, इन्होंने हमारे लाइव में 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे सर प्लीज डीएवी स्कूल के बाहर आओ। सो फाइनली आज हम आए, और दीपीरा कौर से मिल चुके हैं ठीक है गाइज। तो हमारा आज जो फैन मीटअप था कम्प्लीट हो गया, अच्छा लगा आपको मिल के? तो भाई अभी तो हम निकल गए फाइनली, भाई मिल ही गए अपने फैंस को, है कि नहीं? उनकी डिमांड थी, मैंने कहा चलो आज चले जाते हैं, और वो भी वेट कर रहे थे यार, पहचान लिया ये बात बढ़िया लगी। अभी रश काफी ज्यादा यहाँ से। तो अभी तो सयम और मैं आ गए हैं भाई अपना बादाम शेक पीने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और अपने फैंस को मिले, काफ़ी और भी मिले ठीक है, बट ऐसे था कि मैं ड्राइव कर रहा था ना, तो फिर शूट नहीं कर पाए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं ना, वैसे तो हम आए थे भाई टाइम निकाल के आगे। चलो कोई बात नहीं है, अब ऐसे नहीं है कि भाई हम मतलब कि एक एक करके आप सब कहने लग जाएंगे ना धीरे धीरे, भाई हमें मिलना, पर ऐसा नहीं है। 15 अगस्त को जब हम नेहरू स्टेडियम में आएंगे, पहले बच्चों की रिहर्सल होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब 3-4 दिन पहले है ना, तो हम रेगुलर आना स्टार्ट कर देते हैं ना, तब उनके साथ सब तब सबके साथ मिलेंगे ना। हाँ, तो अभी हमारा बादाम शेक बन रहा है, फिर ठंडक आराम से आई है वो पीछे। सो भाई घर आ गए थे, बाइक ड्यूक लगाया, और अभी हम वीडियोस बनाने के लिए निकले, और पता लगा कि भाई जो पीछे वाला टायर है ना उसमें बहुत ज़्यादा हवा कम हो रखी थी, तो अभी देखते हैं पंचर वंचर है कि नहीं है, अभी चेक हो रहा है। तो मैंने कहा भी उसमें दिखा रहा था प्रेशर की 10 रहेगी इसमें हवा, तो मैंने कहा एक बार चेक करा ही लेते। गाइस हवा पीछे वाले में कम हुई थी, और कील आ गया वाले टायर में है भाई, ये क्या सिस्टम है यार, ये सिस्टम है बताओ, इतनी मोटी कील है बट हवा पीछे वाले में कम है और कील आगे निकल गई। चलो निकालो पंचर से, तो भाई इतनी मोटी कील निकली है इसके अंदर से, और ये हवा अब लीक हो रही है यहाँ पे, यहाँ लगेगा ट्यूबलेस पंचर। ये सही है यार, हमारी गाड़ियों का ना एक बार में ही पंचर लग जाता है, वरना जो ट्यूब वाली होती है उनके पहले ट्यूब खोलो पूरा, वो निकालो टायर, उसके बाद फिर ये लो जी हमारा पंचर लग गया। गाइस अभी हम आ गए हैं भाई कुलचा खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। लो जी हमारा आ गया कुलचा, लो भाई पकड़ फोन पे, बाद में बात करना है गर्लफ्रेंड से अपनी। चलो भाई मेरा कुलचा भी रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा भूख लग रही थी खा लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद अभी वीडियो बनाने भी जाना है, तो फिर खाओ ये कुलचा, एंजॉय करो भाई, छोड़ दे भाई लड़कियों का सहारा छोड़ दे, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लड़कियाँ छोड़ दे।
सो गाइस ये अगला दिन भाई कल उतना ही ब्लॉग बन पाया, उसके बाद हम थोड़ा काम में बिजी हो गए थे ठीक है। और भाई आज मेन टास्क क्या रहने वाला है कि भाई हमें पतंग खरीद के आने हैं, जो कि भाई पूरे शहर में खत्म हो गया है, मतलब शहर में जितने भी शॉप्स थे मैंने सबसे खरीद लिए थे। और अब टास्क ये है कि बस मिल जाए काइट्स, क्योंकि हमारी वीडियो शॉर्ट तो काइट्स भी आती हैं। तो अभी मैं तैयार व्यार हो गया था ठीक है, अब संयम को उठाता हूँ, फिर ढूंढते हैं भाई पतंग, जरूरी है भाई उसके बिना वीडियो समझ रहे हो। गाइस भाई मैं जाके आ गया ब्लॉग, वहां जाके भी नहीं बनाया, संयम को भी उठा के ले आया। और कहते हैं ना भाई ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो ढूंढने से पतंग कैसे ना मिलते। ये देखो भाई रीस्टॉक हो गया हमारे पास, बट मैंने उसको भैया को पूछा, भैया आपके पास पतंग है? कहता मेरे पास कितने पतंग है? 10,000 पतंग। कहे 10 लेने तो 10,000 पतंग ऐसे ही ले लूं मुझसे। हाँ फिर मैंने बोला भैया दिखा दो, कहता आज टाइम नहीं है। तो अभी देखते हैं, मैंने बोला है सैटरडे संडे को जाएंगे, स्टॉक तो क्योंकि चाहिए होता है ना, अब 15 अगस्त वगैरह भी आ रही है, तो भाई 15 अगस्त को फिर मिलेंगे बच्चों के साथ। इस बार बढ़िया बढ़िया हम शॉर्ट्स भी लेंगे और बच्चों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाएंगे। चलो भाई अब चलते हैं भाई, अब हमारा शूट का टाइम हो चुका है और बज गए हैं 5 बजने में, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। गाइस अभी पता हम कहाँ पे आ गए हैं भाई, वीडियो बनाने के लिए तो अभी जाएंगे, बट उससे पहले तुम्हें दिखाएं कि रामलीला ग्राउंड में रोपड़ में मेला लगने वाला भाई, झूले वूले सेट हो रहे, चेक करो चंडोल वंडोल लगेंगे, तैयार हो जाओ भाई जो जो मेले में आना चाहते हैं, बस थोड़े दिन और, आई थिंक 5-7 दिन में लग जाएगा। तो ये देखो चंडोल वगैरह की सारी चीज़ें पड़ी अभी, उसके बाद मजे से आराम से फिर मेला इंजॉय करना सारे के सारे। तो गाइस हमने ये अभी पूछा ही था कि कह रहे 15 के बाद ही लगेगा मेला, तो यार मैं तो यार बोर हो गया मेले वगैरह से, क्योंकि यार एक ही तरीके का लगता है सिंपल सा, है ना, जैसे ये वाली ट्रेन ट्रून होगी, उसके बाद वो चंडोल हो गया टेढ़े वाला, शायद ब्रेक डांस वाला लगेगा तेरे हिसाब से? लगेगा लगना ही चाहिए, है ना। पर यार ये रामलीला ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है यार, थोड़े बड़े ग्राउंड में इनको जाके लगाना चाहिए ना, बढ़िया झूले भी लग जाते। एक बार इनके स्कूल में लगा था, डीएवी स्कूल में, वो 360 डिग्री वाला नहीं होता पेंडुलम जैसा, वो लगा था फिर उसमें, वो मज़ेदार था। बाकी सब तो झूले ट्राई कर करके भाई बोर हो चुके हैं, चलिए देखते हैं जब लग जाएगा एक बार तभी पता लगेगा कैसा था। हमने तो गाड़ी उधर खड़ा दी थी, मैंने कहा वीडियो बनाने चलते हैं पहले देख आए एक बार, तुम्हें भी बता दे भी हाँ भाई मेला लग रहा है। गाइस अभी हम पहुंच गए वीडियो बनाने के, और हमने वीडियो बनाने के लिए पता ये लिया था, ये देखो फूक मारो और ये घूम रहा है, और पता कितने रुपए का दिया है गाइस? 20 रुपए का मिला है, और बच्चे कह रहे हैं भाई कितने का मिलता है? 10 रुपए का। तो भाई अमीर आदमी को देख के ठग लिया, इसने खरीदा था। और तो वैसे इसमें है क्या, वैसे पेपर लगा रखे एक डंडी, पेपर 5 रुपए का पूरा है, साइंस है, विंडमिल है, 5 रुपए का घर पे बना के दिखा दूंगा। है भाई क्या बात है भाई, आर्टिस्ट अगर किसी ने घर पर बनवाना हो भाई से मिले, क्या बोल रहे भैया हमको नहीं समझ आया। सो भाई अभी हमारा एक छोटा सा फैन है, अभी हम पार्क में वीडियोस बनाते, क्या नाम है आपका? विराट। और कौन से स्कूल में? शिवालिक। शिवालिक स्कूल में तो वीडियोस देखते हो सारे, काइट वाली भी? हाँ। सबसे अच्छी कौन सी लगती है, ब्लॉग की काइट वाली? ब्लॉग। अच्छा पहले काइट वाली फिर ब्लॉग हो गया। तो अभी भाई हमारे पास आया है फोटो खींचने के लिए, चलो फिर फोटोज खींचते हैं भाई के साथ, फिर बच्चे भी अभी सारे रेडी हो रखे, हमने वीडियोज बनानी है, और बारिश पड़ने वाला मौसम भी भाई हो गया पूरा ऐसा, है ना। तो थैंक यू भाई, सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना ठीक है, खींचो भाई फोटो। सो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ भाई, और अभी भाई डिनर बन रहा है, और डिनर में देखते हैं भाई क्या बना रही है मेरी बहन। अरे बहन तो यहाँ पे है, लगी हुई है बस यहाँ पे। गाइस समझ जाओ क्या बन रहा होगा, कमेंट करके बता देना है मसाला किस चीज़ का बन रहा है, तुम सब लोग समझ गए होंगे मेरी फेवरेट चीज़ है, तो जो मुझे जानते हैं उनको पता है क्या चीज़ बन रही होगी। तो मिलते हैं आज, बस ब्लॉग को इतना ही खत्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के चैनल को शक्कर पारा कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब है टाइम मेरा लाइव होने का।